हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी आप 2 या 3 मंथ की GSTR 1 को या 3B को फाइल नहीं करते तो फ्रेंड्स आपका वहां पर ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाता है जो सिस्टम जनरेटेड होता है, और आप वहां पर ई वे बिल नहीं बना पाते जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने ई वे बिल का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि वह ब्लॉक है या अनब्लॉक। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे ई वे बिल लॉगिन। फ्रेंड्स, ई वे बिल की साइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ई वे बिल की साइट पर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है GST ई वे बिल लॉगिन ई वे बिल सिस्टम, इस पर आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जिस पर लिखा है ई वे बिल सिस्टम लॉगिन, इसे आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है सर्च, इस पर आप जाएंगे, और सर्च पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट ब्लॉक स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है एंटर GSTIN नंबर, जिस पार्टी का भी आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि इस पार्टी का ई वे बिल ब्लॉक है या अनब्लॉक, आप यहाँ पर उस पार्टी का GST नंबर डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी इनकम टैक्स GST से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के सभी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हो, वह सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पे आपको नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है, आप इस कैप्चर कोड को नीचे बॉक्स में यहाँ पर डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कैप्चर कोड समझ नहीं आ रहा है कि है क्या कैप्चर कोड लिखा हुआ है तो साइड में यहाँ से क्लिक करके आप इस कैप्चर कोड को रीजनरेट भी कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नीचे गो पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपका लिखा होगा GST नंबर, उसके बाद ट्रेड नंबर लिखा होगा कि आपकी फर्म का जो भी नाम है, उसके बाद GSTIN का स्टेटस दिया होगा एक्टिव है या डीएक्टिव है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर यह एक्टिव है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टेटस दिया हुआ है ब्लॉक स्टेटस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ई वे बिल ब्लॉक है या अनब्लॉक है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी ई वे बिल का स्टेटस चेक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको वहाँ पर पूरा सल्यूशन देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई पर्सनली बात बताना चाहते हैं तो वीडियो की साइड में हमने अपनी हेल्प मेल दी हुई है, आप यहाँ पर हमें मेल करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम यहाँ पर भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।